बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। नाज़रीन, सिचुएशन, सियासी सिचुएशन, पाकिस्तान के सिक्योरिटी सिचुएशन और ये तमाम के तमाम पाकिस्तान को, इन दोनों चीज़ों को मिलाकर पाकिस्तान के जो इंटरनेशनल सिनेरियो के ऊपर सिचुएशन बन रही है वो कुछ ऐसी है कि पाकिस्तान के चैलेंजेस बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब कॉमनवेल्थ के हवाले से गए हुए बरतानिया, बहुत सारे मामलात बरतानिया के अंदर कहा जा रहा है कि सेटल होने वाले हैं, लंदन प्लान बनने वाला है। लंदन प्लान के बारे में हम बड़े अरसे से सुन रहे हैं, वज़ीर आज़म साहब भी उधर, वो भी वापस आ जाएंगे, उसके बाद फिर शहबाज शरीफ साहब भी, वज़ीर आज़म साहब भी। PMLN में क्या होने वाला है, क्या होगा और क्या तवक्कुआत हैं कि क्या PMLN की नवाज शरीफ साहब को साइड पे करने के बाद तमाम की तमाम सियासी कुव्वत ख़त्म हो गई या इलेक्शन के अंदर सियासी कुव्वत उमड़ कर सामने आएगी। ये तमाम की तमाम चीज़ें हैं जिसको एक आम आदमी, आम शहरी सोच रहा है और ये तमाम सवालात मैं आज रखने वाली हूँ मुशाहिदुल्ला साहब के सामने। मुशाहिदुल्ला खान साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, नवाज शरीफ साहब के साथ पहले वक्त से लेकर अब तक मौजूद हैं और उसी तरीके से सीना सफर सफाई की तरह नवाज शरीफ साहब के साथ आज भी खड़े हैं। मुशाहिदुल्ला साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। मुशाहिदुल्ला साहब, तीन चार चीज़ें हैं जो कि आजकल बड़ी गर्दिश कर रही हैं और बड़े उसके बारे में चर्चे जा रही हैं। कहा यह जा रहा है कि कोई लंदन प्लान बन रहा है, लंदन में मुलाकातें हो रही हैं, वो वज़ीर आज़म साहब की मुलाकात, वो तमाम मुलाकातें, चल क्या रहा है, ये कोई लंदन प्लान बना रहे हैं आप लोग, एंटी इस्टेब्लिशमेंट या एंटी जुडिशरी टाइप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बात यह है कि लंदन प्लान जो है वो बने भी हैं एक ज़माने में, लेकिन उसकी कुछ वजूहात होती थी। मसलन एक वक्त था लंदन जाना कोई इतना आसान भी नहीं था, सही, बड़े कम लोग जाया करते थे। फिर इस तरह के भी कुछ औकात गुजरे हैं जब मुल्क में मार्शल ला होता था तो आपको पॉलिटिकल एक्टिविटी करने की इजाज़त मुल्क में उस तरह से नहीं होती थी, तो फिर लंदन में लोग इकट्ठे हो जाया करते थे। सही। मेरा ख्याल है अब वो सूरत हाल नहीं है। अभी मसलन नवाज शरीफ साहब जो गए हैं वो अपनी अहलिया की जो बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन है उसके हवाले से गो, उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा, ना उनकी बेटी मरियम को, बड़ी मुश्किल से वो गए हैं और उनको एग्जम्पशन भी नहीं मिली और वो वापस आ जाएंगे कल रात में किसी वक्त। प्राइम मिनिस्टर, वो एक उसकी कॉमनवेल्थ की कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रहे थे, पहले से वो प्लान था, वो अपने प्लान के तहत गए हैं और अब दो दिन में या एक दिन में जाके आ भी जाता है, तो लंदन प्लान की एज सच कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक। तो वैसे जाहिर है जब कोई लोग आपस में मिलते हैं तो बातचीत तो होती है और बातचीत सियासी लोगों के दरमियान सियासी बातचीत होती है। अगर कुछ खिलाड़ी मिलें तो वो खेल के हवाले से बात करते हैं, फिल्म एक्टर मिलें तो वो फिल्मों के बारे में बातें करते हैं, तो सियासत में बात ज़रूर हुई होगी जब भी लोग मिलते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इतना उस लिहाज से सिग्निफिकेंस इसकी नहीं है। सिग्निफिकेंस सिर्फ एक है कि बेगम कुलसुम नवाज़ की तबीयत और सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उनको एक मूजी मर्ज लग चुका है, उनके ऑपरेशन और जो कीमोथेरेपी हुई है उसमें रेकरेंस हुआ है और रेकरेंस बहुत ही ख़तरनाक होता है, अल्लाह उन्हें सेहत ज़िंदगी दे। और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे बात यह है कि उनकी फैमिली को, वो बड़े ज़ालिम लोग हैं मेरे नज़दीक जिन्होंने यहाँ पर अंगेज किया हुआ है, वरना हमने देखा है और कि बहुत सारे लोगों को ऐसे ऐसे इस्तना दिए जाते हैं, आज भी दिए हुए, इसी नैब ने भी दिए हुए, ठीक है, लेकिन नवाज शरीफ चूँकि उसको सज़ा देनी है, उसका उससे इंतकाम लेना है, तो जो मतलब हल्के लोग होते हैं वो इस तरह से भी, वो उनकी बला से, मैं अभी भी दुआ करता हूँ कि उनसे जो इंतकाम ले रहे हैं ना, अल्लाह उन्हें भी हमेशा सेहत दे और उनकी फैमिली को भी, लेकिन वो जो कुछ कर रहे हैं ना। अच्छा, इंतकाम की तरफ तो मुशाहिदुल्लाह साहब बाद में आते हैं, लेकिन सबसे पहले कुलसुम नवाज साहिबा की तबीयत अभी क्या इत्तलात हैं, क्योंकि कैंसर एक ऐसा मर्ज़ है जिसके अंदर पूरी कौम अभी फ़िलहाल कुलसुम नवाज साहिबा के लिए दुआ कर रही है, बेगम कुलसुम नवाज साहिबा को अल्लाह ताला सेहत भी दे, हिम्मत भी दे, या आपके मुखालफीन भी आप लोगों के लिए दुआ कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। अभी उनकी तबीयत के बारे में क्या खबरें हैं, कैसी हैं, वो बेहतरी देखिए उनकी, जहाँ तक मुखालफीन की बात है ना, वो सारे दुआ नहीं कर रहे, कुछ लोगों ने इसको भी, इस पर भी सियासत खेली है, वो भी बड़ा कम्प्लीटली बहुत ही अफसोसनाक है। बहर उनकी तबीयत जो है, जो मुझे इतला है, चूँकि मैं ख़ुद इस मरहले से गुजर चुका हूँ 2010 में, और इससे ज़्यादा ख़तरनाक तरीके से मेहरबानी की थी, मैं आपके सामने बैठा हूँ, लेकिन मुझे चूँकि मैं इस सारे खेल को समझता हूँ, मेरे लिहाज से वो उनकी बड़ी क्रिटिकल कंडीशन है इस वक्त।
अल्लाह उन्हें फिर भी, लेकिन अल्लाह के कोई, मुझे डॉक्टरों ने इनकार कर दिया था, मैं आज आपके सामने बैठा हूँ, अल्लाह करे वैसे ही हो और बेगम कुलसुम नवाज वहाँ से याब हो के आएँ, लेकिन वो उनकी सेहत ठीक नहीं है और उन्हें बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है कि उनकी फैमिली हर वक्त, मैं देखें मुझे जब हुआ था मैं भी अपनी सारी फैमिली लेके चला गया था, वो तकरीबन को 8-9 महीने मेरे साथ रहे थे। सही, लेकिन मुशाहिदुल्लाह साहब फिर वो तनकीद करने वाले तनकीद करते हैं, उनका भी ज़रा जवाब ले लिया जाए कि अगर बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है बेगम साहिबा की, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज़ किया, तो ये सियासी जलसे जुलूस नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा को करने की ज़रूरत नहीं थी, वो लोग उधर चले जाते जिन दिनों के अंदर पेशी नहीं थी, तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? लोग कह रहे हैं सियासी जलसे जुलूस करने की आपको क्या ज़रूरत थी, फिर दूसरों को करने देते? जलसे जुलूस देखें, नवाज शरीफ इस मुल्क के सबसे बड़े और मकबूल तरीन लीडर हैं और उनके साथ एक रवैया जो रवा रखा गया है उसमें इंटरनेशनल और नेशनल कुछ साजिशें हैं, वो उस पर मैं बात नहीं कर रहा इस वक्त, तो उन्हें उससे भी निमटना, इंसान को हर चीज़ से निमटना होता है। बात यह है कि नवाज शरीफ को तो जब मौका मिला वो गया, 6 दफ़ा जा चुके हैं वो 28 जुलाई के बाद से लेके तकरीबन आप 8-9 महीने में, तो लेकिन वो 2-2, 3-3 दिन के लिए उन्हें सस्ना तो नहीं दिया ना, तो उनको तो मौका ही नहीं दिया जा रहा कि वो अपनी बेगम जिससे 55 साल की रफाकत है, उसकी बेटी, बेटियां माओ के कितना करीब होती हैं, मरियम को नहीं उसको मतलब कि तिमारदारी के लिए जाने दिया जा रहा, मतलब ये कितनी अफसोसनाक बात है। और फिर लोग ये बातें करें कि ये जलसे क्यों कर रहे हैं, भाई एक तरफ आप जाने नहीं देते, जाने तो दें आप, दूसरी बात यह है जहाँ से जलसे करने देना ना करने देना ये गलत बात है, ये एक उनकी जाती बात है, वो एक सियासी बात है, वो सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो अदलिया है और नैब कोर्ट है और जो भी लोग इसमें मुलव्वस हैं उन्हें ये सोचना चाहिए कि ये बीमारी किसी से पूछ के नहीं आती किसी के घर, किसी को अल्लाह बीमार ना करे, सबको सेहत दे, लेकिन बड़ा, इससे बड़ा जुल्म हो नहीं सकता जो नवाज शरीफ और इसके ख़ानदान और मरियम नवाज और दीगर इवन उनकी फैमिली है यहाँ पे, उनके पोते पोतियाँ नवासे नवासियाँ हैं, सबके साथ अब जुल्म कर रहे हैं कि यार आपको मतलब क्या एथिक्स ही नहीं है, ये तो पाकिस्तान में कभी भी नहीं हुआ इस तरह से, इस तरह का इंतकाम किससे लिया है मुझे बताएं आज तक? भुट्टो साहब को मिलने नहीं दिया जाता था बेनजीर साहिबा से, नुसरत भुट्टो साहिबा से, तो ये तो पहले भी हो चुका है मुशाहिदुल्लाह साहब, ये तो हमारी हिस्ट्री के अंदर। अच्छा, पहली बात तो ये है कि वो मिलने दिया जाता था या नहीं जाता था, ये तो डिबेटेबल है, मैं इस पर भी डिबेट कर सकता हूँ, लेकिन फर्ज करें आपकी बात सही है तो उस पे उसको उसके वो क्या ठीक होता था? मतलब वही आज भी कर रहे हैं जो आज से 40 साल पहले हो रहा था, 30 साल पहले हो रहा था। सही, तो ये कोई जस्टिफिकेशन है कि जी भुट्टो साहब के साथ हुआ था तो इनके साथ भी यही होना? भुट्टो साहब के साथ ये नहीं हुआ था, उनकी वाइफ भी जाती थी, इनकी बेटियां भी जाती थी, ठीक है कि हुआ भी होगा, मैं ये नहीं कहता, लेकिन ये कोई जस्टिफिकेशन है? सही, आप क्लियर हैं कि ये नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट इस्तेस्ना मिलनी चाहिए जब तक कुलसुम नवाज साहिबा बेहतरी की तरफ नहीं जाती या उनकी तबीयत थोड़ी सेटल डाउन नहीं हो जाती। नहीं देखिए, हम किसी से बैग ही नहीं करते, ना नवाज शरीफ ने किया है। सही। मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं आपके जरिए से ये बात दुनिया को बताना चाहता हूँ कि ये इस मुल्क में हो रहा है आजकल के मॉडर्न दौर में, वो लोग कर रहे हैं जो बड़ी बर्दाश्त की बातें करते हैं, बड़े ह्यूमन राइट्स की बातें करते हैं, बड़े सिविल राइट्स की बातें करते हैं, वो सिर्फ उनके अपने लिए हैं, नवाज शरीफ के लिए नहीं है, मरियम नवाज और कुलसुम नवाज के लिए नहीं है। सही। क्यों नहीं है, क्या वजह है, क्या किया है इन्होंने? इन्होंने मुल्क की खिदमत की है इसलिए? मुशाहिदुल्लाह साहब फिर वो तनकीद करने वाले तनकीद करते हैं, उनका भी जरा जवाब ले लिया जाए कि अगर बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है बेगम साहिबा की, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज़ किया, तो ये सियासी जलसे जुलूस नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा को करने की ज़रूरत नहीं थी, वो लोग उधर चले जाते जिन दिनों के अंदर पेशी नहीं थी, तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? लोग कह रहे हैं सियासी जलसे जुलूस करने की आपको क्या ज़रूरत थी, फिर दूसरों को करने देते? जलसे जुलूस देखें, नवाज शरीफ इस मुल्क के सबसे बड़े और मकबूल तरीन लीडर हैं और उनके साथ एक रवैया जो रवा रखा गया है उसमें इंटरनेशनल और नेशनल कुछ साजिशें हैं, वो उस पर मैं बात नहीं कर रहा इस वक्त,
तो उन्हें उससे भी निमटना, इंसान को हर चीज़ से निमटना होता है। बात यह है कि नवाज शरीफ को तो जब मौका मिला वो गया, 6 दफ़ा जा चुके हैं वो 28 जुलाई के बाद से ले कर तकरीबन आप 8-9 महीने में, तो लेकिन वो 2-2, 3-3 दिन के लिए उन्हें सस्ना तो नहीं दिया ना, तो उनको तो मौका ही नहीं दिया जा रहा कि वो अपनी बेगम जिससे 55 साल की रफाकत है, उसकी बेटी, बेटियां माओ के कितना करीब होती हैं, मरियम को नहीं उसको मतलब कि तीमारदारी के लिए जाने दिया जा रहा। मतलब ये कितनी अफसोसनाक बात है। और फिर लोग ये बातें करें कि ये जलसे क्यों कर रहे हैं, भाई एक तरफ आप जाने नहीं देते, जाने तो दें आप, दूसरी बात ये है जहाँ से जलसे करने देना ना करने देना ये गलत बात है, ये एक उनकी ज़ाती बात है, वो एक सियासी बात है, वो सारा कुछ कर रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो अदलिया है और नैब कोर्ट है और जो भी लोग इसमें मुलव्वस हैं उन्हें ये सोचना चाहिए कि ये बीमारी किसी से पूछ के नहीं आती किसी के घर, किसी को अल्लाह बीमार ना करे, सबको सेहत दे, लेकिन बड़ा, इससे बड़ा जुल्म हो नहीं सकता जो नवाज शरीफ और इसके ख़ानदान और मरियम नवाज और दीगर इवन उनकी फैमिली है यहाँ पे, उनके पोते पोती हैं, नवासे नवासियाँ हैं, सबके साथ अब जुल्म कर रहे हैं कि यार आपको मतलब क्या एथिक्स ही नहीं है। ये तो पाकिस्तान में कभी भी नहीं हुआ इस तरह से, इस तरह का इंतकाम किससे लिया है मुझे बताएं आज तक। भुट्टो साहब को मिलने नहीं दिया जाता था बेनजीर साहिबा से, नुसरत भुट्टो साहिबा से, तो ये तो पहले भी हो चुका है मुशाहदुल्ला साहब, ये तो हमारी हिस्ट्री के अंदर। अच्छा, पहली बात तो ये है कि वो मिलने दिया जाता था या नहीं जाता था, ये तो डिबेटेबल है, मैं इस पर भी डिबेट कर सकता हूँ, लेकिन फर्ज करें आपकी बात सही है तो उस पे उसको उसके वो क्या ठीक होता था, मतलब वही आज भी कर रहे हैं जो आज से 40 साल पहले हो रहा था, 30 साल पहले हो रहा था। सही। तो ये कोई जस्टिफिकेशन है कि जी भुट्टो साहब के साथ हुआ था तो इनके साथ भी यही होना, भुट्टो साहब के साथ ये नहीं हुआ था, उनकी वाइफ भी जाती थी, इनकी बेटियां भी जाती थी, ठीक है कि हुआ भी होगा, मैं ये नहीं कहता, लेकिन ये कोई जस्टिफिकेशन है। सही। आप क्लियर हैं कि ये नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट इस्तेस्ना मिलनी चाहिए जब तक कुलसुम नवाज साहिबा बेहतरी की तरफ नहीं जाती या उनकी तबीयत थोड़ी सेटल डाउन नहीं हो जाती। नहीं देखिए, हम किसी से बैग ही नहीं करते, ना नवाज शरीफ ने किया है। सही। मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं आपके जरिए से ये बात दुनिया को बताना चाहता हूँ कि ये इस मुल्क में हो रहा है आजकल के मॉडर्न दौर में, वो लोग कर रहे हैं जो बड़ी बर्दाश्त की बातें करते हैं, बड़े ह्यूमन राइट्स की बातें करते हैं, बड़े सिविल राइट्स की बातें करते हैं, वो सिर्फ उनके अपने लिए हैं, नवाज शरीफ के लिए नहीं है, मरियम नवाज और कुलसुम नवाज के लिए नहीं है। सही। क्यों नहीं है, क्या वजह है, क्या किया है इन्होंने, इन्होंने मुल्क की खिदमत की है इसलिए। अब सियासी बात की तरफ आते हैं तो फिर अभी बहुत सारे मामलात, सुना है कि लंदन से और बहुत सारे शवाहिद आ जाएंगे, वो शवाहिद आ जाएंगे तो उसके बाद फिर वो नाअहली जो की गई नवाज शरीफ साहब की, उनको नाअहल करके XPM बना दिया गया PM से, उसके ऊपर एक तरह से स्टैंप लग जाएगी, PMLN उसके लिए तैयार। देखिए मैं आपको बात बताऊं, ये जो जो कुछ हो रहा है ना ये इंतसाब नहीं हो रहा। क्या हो रहा है, इंतकाम? इंतसाब होता मैं बड़ा खुश होता। इंतसाब मतलब कि ये सिर्फ इंतकाम है और कुछ भी नहीं है। इंतसाब होता तो 456 अफराद के खिलाफ होता जिनका पनामा में नाम था, नवाज शरीफ का नाम नहीं था। नवाज शरीफ का तो किस बात पर हो रहा है, मसलन अभी आज एक नया नैब में केस उन्होंने नोटिस कर दिए हैं कि जी ये जो सड़क चौड़ी कराई थी क्यों कराई थी, कल को वो इस बात पे भी नवाज शरीफ का एहतसाब करते हैं कि ये CPAC क्यों हो रहा है, कल को इस बात पे भी एहतसाब हो सकता है और नवाज शरीफ के खिलाफ केस रजिस्टर हो सकता है कि मोटरवे क्यों बनाई है, ये दहशतगर्दी क्यों ख़त्म की है, ये बिजली क्यों दी है लोगों को। जहाँ भी आएगी मुशाहिदुल्लाह साहब, चाहे वो मोटरवे हो, चाहे वो बिजली की बात हो, चाहे वो पावर प्लांट्स की बात हो, फिर मोटरवे के बारे में तो मशहूर है ना, कोई मशहूर कोई चीज नहीं होती। मुझे बताए खुर्दबुर्द, अभी इन्होंने सारे पाकिस्तान की एजेंसियों को लगाया ना नवाज शरीफ के खिलाफ, पनामा झूठा, बाकी किसी के खिलाफ नहीं किया, उसमें निकला क्या, सुन लें क्या निकला, 1 रुपए की करप्शन निकली, अकामा ही निकला ना, तो इसका मतलब ये है कि कोई खुर्द बुर्द नहीं है, कुछ नहीं है। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ये कोई एहतसाब नहीं हो रहा, ये नवाज शरीफ
से पहले भी इंतकाम लिया गया था मुशर्रफ के दौर में, आज भी इंतकाम लिया जा रहा है और कुछ भी नहीं आया। और वरना अगर ये इंतकाम ना होता, एहतसाब होता तो उन 456 अफराद के खिलाफ होता। लेकिन देखें, वो 456 अफराद जो थे वो वजीर आजम नहीं थे, वो वजीर आजम का खानदान नहीं था। जब वजीर आजम की बात आती है, उनके खानदान की बात आती है, तो एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कहते हैं विद रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स अकाउंटेबिलिटी, तो अकाउंटेबिलिटी पर सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल शख्स की तरफ पहले आई मुझे। दुनिया की कौन सी कानून की किताब में लिखा है कि वजीर आजम का एहतसाब होगा बाकियों का नहीं होगा? बाकियों को भी शुरू होना चाहिए इसमें, तो कोई डाउट नहीं। मुझे ये उस किताब का नाम तो बताएं कि ये कौन सा कानून है, किसने बनाया। कानून की नजर में सब बराबर होते हैं। ठीक है, चले मैं फिर भी आपकी बात मान लेता हूँ। नवाज शरीफ का तो कर दिया ना, नाअहल भी कर दिया, डिस्क्वालीफाई भी कर दिया, उनको सदारत से भी हटा दिया, उनकी पार्टी को भी, जहांगीर तरीन साहब को भी तो कर दिया ना। जहांगीर तरीन साहब, जहांगीर तरीन को आप, जहांगीर तरीन का तो मेरा भी लेवल नहीं है, तो कल की पैदावार। लेकिन नहीं, ये नहीं कहा जा सकता कि सियासी इंतकाम लिया गया पीएमएलएन से जहांगीर तरीन साहब को साइडलाइन करने का, मतलब इमरान खान के तो मुंह में अल्फाज डाले गए। नहीं भाई, तुम गलत कह रहे हो, असल बात ये है, वो भूल गई है आप। ठीक है, जिसको सजा देनी थी उसको तो लाडला बना के रखा। जहांगीर तरीन तो हर चीज कागजों पे माना, इमरान खान भी था, बल्कि वो सारे ही जो मतलब के उनके इर्द गिर्द खड़े हैं, जब जिस दिन एहतसाब हुआ ना हमारी पार्टी में, मैं ये नहीं कहता सारे फरिश्ते हैं, लेकिन नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इनके खिलाफ अगर कोई चीज होती तो 20-25 साल पुराने केस सुने, वो दोबारा ना निकाले। अच्छा, जाते तो मुशाहिदुल्लाह साहब, एक ऐसा परसेप्शन क्रिएट किया जाता है पीएमएलएन की तरफ से कि नवाज शरीफ साहब पता नहीं क्या है कि उनके खिलाफ सारे के सारे इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। ऐसा क्यों होगा? किसी को नवाज शरीफ साहब से क्या मसला होगा? सीपेक है तो सीपेक के अंदर फौज भी, एस्टेब्लिशमेंट भी आप लोगों के साथ थी, सिविल क्यादत, मिलिट्री क्यादत दोनों मिलकर बैठा करते थे। जनरल राहील शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब दोनों मिलकर बैठा करते थे इन मामले पर। ज़रब अज़ की बात करें, ज़रब अज़ के ऊपर भी सिविल मिलिट्री क्यादत इकट्ठी थी। तो क्या ऐसी चीज़ है नवाज शरीफ साहब में जो आप लोग बार बार कहते हैं कि इंतकाम लिया जा रहा है, ये तमाम के तमाम इदारे उनके खिलाफ हो गए? बात यह है, इकट्ठे बैठने की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, तो आज भी बैठते हैं, इस हुकूमत के साथ भी बैठते हैं, कुछ फोरम्स बने हुए हैं, कुछ कमेटीज हैं, कुछ कमीशन हैं। नहीं, आप लोग कहते हैं ना इकट्ठे हो गए सारे के सारे इदारे नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, क्यों होंगे? मैं ये कह नहीं रहा, मैं तो एक बात कर रहा हूँ, मैं क्यों भी बता देता हूँ, मैं बहुत दफा बता चुका हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ ने कुछ नहीं किया, अगर किया होता तो ये, जब आप कह रहे हैं ना वजीर आजम थे, तो जब वजीर आजम थे उस वक्त का कोई केस निकाल लेते ना, वजीर आजम का करना ना एहतसाब, तो पिछले 5 साल का निकाले ना, या इससे पहले 3-3 साल जो वो रहे हैं, 2.5-2.5 साल उसका निकाले, उसका तो कोई केस नहीं निकाला। तो इसका मतलब ये हुआ कि वजीर आजम का भी नहीं हो रहा एहतसाब, एक खानदान का जो केस मुशर्रफ ने चलाया वही ये चला रहे हैं, और ये सारा झूठा है, बेटे से तनख्वाह नहीं ली इसलिए निकाल दिया। ये कौन से दुनिया में इस तरह के फैसलों को कौन डिफेंड करेगा, मुझे बताएं। ठीक है, अच्छा अब जरा सिक्योरिटी के मामलात पर आते हैं। मरीम नवाज साहिबा का कल ट्वीट आया जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट था, कि एक ऐसा शख्स जिसने ज़रब अज़ और सीपेक के ऊपर काम किया, अगर उसको कुछ हो गया तो जिम्मेदार आप होंगे, यानी डायरेक्ट अदलिया के ऊपर वो इशारा कर रही थी, अदलिया की तरफ वो इशारा कर रही थी। क्यों जिम्मेदार होंगे वो लोग? क्या पाकिस्तानी अवाम की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जितने भी रिटायर्ड पीएम्स हैं, जितने भी लीडरान हैं, उनको पाकिस्तानी टैक्स पेयर के पैसे से सिक्योरिटी फराहम की जाए? नवाज शरीफ साहब खुद भी तो अफोर्ड कर सकते हैं अपनी सिक्योरिटी, पहली बात वो खुद करते भी हैं। पहली बात तो ये है कि ये कोई गैर कानूनी नहीं है, जो लोगों ने ये किया उन्हें ये मालूम है कि ये कानून के मुताबिक हो रहा है, एक बात। दूसरी बात ये है कि चले अगर हर एक के खिलाफ नहीं भी हो ना, मुझे बताएं 5 साल पहले कितनी दहशतगर्दी थी इस मुल्क में, थी ना? जिसने वो ख़त्म की, जिसका नाम मोहम्मद नवाज शरीफ है, तो जिन दहशतगर्दों को ख़त्म किया है उनकी बाकियात तो नवाज शरीफ के को हक में तो नहीं है ना। उन्होंने धमाके भी किए ना रायविंड की तरफ कई दफ़ा, पुल भी उड़ाया ना, अभी भी मामला हुआ नई मियाँ पे, जो जूता फेंका था और आदमी जिस तरह से झपट के आया था, जिसको पकड़ लिया था एकदम। तो मुझे एक बात बताएं कि, और फिर 21 करोड़ का मुल्क है ना, ये भी नहीं है, फिर यहाँ जो कुछ हो रहा है ये भी कहते हैं साथ में कि राह का एजेंट है, तो कुलभूषण यादव है, तो एहसान उल्लाह एहसान है, ये सारी भी मतलब की चीज़ें हैं, लेकिन इन लोगों की सिक्योरिटी वापस ले लो ताकि ये वनरेबल हो जाए। यही बात है ना जो मरियम ने बात की है
कि आप अपने लोगों को वनरेबल बनाना चाहते हैं, ये एक साइकी होती है, वनरेबल तो सारी पब्लिक है ना। नहीं, पब्लिक है। अब वो वाली बात हो गई कि एक ही सब में खड़े हो गए, महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। नहीं, वो ना महमूद का दौर है ना अयाज मौजूद है आज के दौर में। ये दौर जो है ना, ये साकिब निसार का दौर है, ये बाजवा साहब इस वक्त आर्मी चीफ हैं, इस वक्त खाकान अब्बासी हैं, ये अयाज और महमूद वाला दौर नहीं है, इसको उसको भूल जाए। आज जब लोग ये बात करते हैं, ये एक साइकी है, इनसे सिक्योरिटी ले लो ताकि इनको लोग मारें, ये ऐसा ही। तो आप अपनी सिक्योरिटी रख लेना, यानी इतना आप लोगों ने कमाया जिस तरीके से वो नवाज शरीफ साहब। हमने कमाया नहीं, नवाज शरीफ साहब फरमाते हैं ना कि हमारे जद्दी पुश्ती बिजनेस था, वो बिजनेस है, उससे कमाया, उसी से सिक्योरिटी गार्ड रख ले, इसमें कौन सी टैक्स पेयर की। मेरी बात ये है कि एक स्टेट की वजह से अगर आपकी सिक्योरिटी जो है वो मतलब के टारगेट हुई हुई है, तो फिर स्टेट की भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है। और ये आईन में लिखा हुआ है ना, ये आपकी ख्वाहिश पे नहीं होगा ना, ये कानून है, सबको मिलती है सिक्योरिटी यहाँ पे, ठीक है। जो मतलब फैसला करने वाले हैं ना, उनकी सिक्योरिटी तो देखें जरा। अब सियासी बात की तरफ आते हैं, तो फिर अभी बहुत सारे मामलात सुना है कि लंदन से और बहुत सारे शवाहिद आ जाएंगे, वो शवाहिद आ जाएंगे, तो उसके बाद फिर वो नाअहली जो की गई नवाज शरीफ साहब की, उनको नाअहल करके एक्सपीएम बना दिया गया पीएम से, उसके ऊपर एक तरह से स्टैंप लग जाएगी, पीएमएलएन उसके लिए तैयार। देखिए मैं आपको बात बताऊँ, ये जो कुछ हो रहा है ना, ये इंतसाब नहीं हो रहा। क्या हो रहा है? इंतकाम होता मैं बड़ा खुश होता। एहतसाब मतलब के ये सिर्फ इंतकाम है और कुछ भी नहीं है। एहतसाब होता तो 456 अफराद के ख़िलाफ़ होता जिनका पनामा में नाम था, नवाज शरीफ का नाम नहीं था। नवाज शरीफ का तो किस बात पे हो रहा है? मसलन अभी आज एक नया नैब में केस उन्होंने नोटिस कर दिए हैं कि जी ये जो सड़क चौड़ी कराई थी क्यों कराई थी। कल को वो इस बात पर भी नवाज शरीफ का एहतसाब करते हैं कि ये सी पैक क्यों हो रहा है। कल को इस बात पे भी एहतसाब हो सकता है और नवाज शरीफ के खिलाफ केस रजिस्टर हो सकता है कि मोटरवे क्यों बनाई है, ये दहशतगर्दी क्यों ख़त्म की है, ये बिजली क्यों दी है लोगों को। जहाँ भी आएगी मुशाहिदुल्लाह साहब, चाहे वो मोटरवे हो, चाहे वो बिजली की बात हो, चाहे वो पावर प्लांट्स की बात हो, फिर मोटरवे के बारे में तो मशहूर है ना। कोई मशहूर कोई चीज नहीं होती। मुझे बताएं, खुर्दबुर्द अभी इन्होंने सारे पाकिस्तान की एजेंसियों को लगाया ना नवाज शरीफ के खिलाफ, पनामा झूठा, बाकी किसी के खिलाफ नहीं किया। उसमें निकला क्या? सुन लें क्या निकला? एक रुपए की करप्शन निकली, अकामा ही निकला ना। तो इसका मतलब ये है कि कोई खुर्दबुर्द नहीं है, कुछ नहीं है। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ये कोई एहतसाब नहीं हो रहा। ये नवाज शरीफ से पहले भी इंतकाम लिया गया था मुशर्रफ के दौर में, आज भी इंतकाम लिया जा रहा है और कुछ भी नहीं है। और वरना अगर ये इंतकाम ना होता, एहतसाब होता, तो उन 456 अफराद के खिलाफ होता। लेकिन देखें, वो 456 अफराद जो थे वो वजीर आजम नहीं थे, वो वजीर आजम का खानदान नहीं था। जब वजीर आजम की बात आती है, उनके खानदान की बात आती है, तो एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कहते हैं विद रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स अकाउंटेबिलिटी, तो अकाउंटेबिलिटी पर सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल शख्स की तरफ पहले आई। दुनिया की कौन सी कानून की किताब में लिखा है कि वजीर आजम का एहतसाब होगा बाकियों का नहीं होगा? बाकियों को भी शुरू होना चाहिए इसमें। नहीं, तो कोई नहीं, मुझे ये उस किताब का नाम तो बताएं कि ये कौन सा कानून है, किसने बनाया। कानून की नजर में सब बराबर होते हैं, ठीक है। चले मैं फिर भी आपकी बात मान लेता हूँ। नवाज शरीफ का तो कर दिया ना, नाअहल भी कर दिया, डिस्क्वालीफाई भी कर दिया, उनको सदारत से भी हटा दिया, उनकी पार्टी को भी तोड़ने की कोशिश। जहांगीर तरीन साहब को भी तो कर दिया ना। जहांगीर तरीन को आप, जहांगीर तरीन का तो मेरा भी लेवल नहीं है, कल की पैदावार। लेकिन नहीं, ये नहीं कहा जा सकता कि सियासी इंतकाम लिया गया पीएमएलएन से, जहांगीर तरीन साहब को साइडलाइन करने का मतलब ये है कि इमरान खान के तो मुंह में अल्फाज डाले गए। नहीं भाई, तुम गलत कह रहे हो, असल बात ये है वो भूल गई हैं आप, ठीक है। जिसको सजा देनी थी उसको तो लाडला बना के रखा। मुझे एक बात बताएं कि एक शख्स जो मोहम्मद नवाज शरीफ जिसका नाम है, जिसने दहशतगर्दी ख़त्म की है, उसे सिक्योरिटी थ्रेट तो हो सकता है ना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज को तो उस तरह से सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है ना। खैर, साकिब निसार साहब जिस तरह से फैसले कर रहे हैं उसके बाद तो फिर डेफिनेटली क्या फैसले कर रहे हैं, यानी पब्लिक इंटरेस्ट की जो चीज़ें लिटिगेशन वगैरह उसको टेकअप कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन अच्छा, खतरा है अगले क्यों कर रहे हैं? हमने कहा उन्हें, मेरे पास कौम ने मुतालबा किया, अब कौम उनके सामने आके रो रही है। देखें, यानी सियासतदानों ने बात नहीं सुनी तो फिर अदलिया के पास जा रहे हैं ना, जरूरत नहीं ये किसने। देखें, बात यह है कि कौम क्या कर रही है क्या नहीं कर रही।
कौम और भी बहुत कुछ कर रही है, उसको छोड़ दें। मैं ये कहता हूँ कि इस मुल्क का आइन और कानून में कुछ चीज़ें लिख दी गई हैं, बड़ी अच्छी बात है, मुझे खुशी होती है। कोई भी साकिब निसार हो या बाजवा साहब हो या कोई हो, वो अगर कोई मसला हल करते हैं मुझे खुशी होती है। लेकिन भाई बात यह है कि उसका भी तो तौर तरीका है ना। आप मैं तो मुझे बड़ी खुशी होगी जिस दिन साकिब निसार साहब सुप्रीम कोर्ट से फारिग होंगे और जब उन्हें इजाजत मिलेगी तो वो इलेक्शन लड़ेंगे और उसके बाद मसाइल हल करेंगे, कोई जमात बनाएंगे, मैं बड़ा खुश हूँ। बड़े लोग उनका साथ देंगे। वो वक्त तब का तब देखेंगे, तब भी आपको बताएंगे इंशाल्लाह। आईनी तरीका वही है। मैं अच्छा मुशाहिद अल्लाह साहब, मेरे पास चंद मिनट रह गए हैं। कराची में मुलाकातें, MQM से मुलाकात, ANB सेन से मुलाकात, ये मुलाकातें किस तरफ जा रही हैं? इलेक्शंस की तैयारियां हैं, कोई जोड़ तोड़ चल रहा है, कोई सियासी इलाक की बात हो रही है? देखिए बात यह है कि मुलाकातें सियासी लोग सियासी जमातें एक दूसरे से करती रहती हैं। अभी चंद दिन पहले शहबाज शरीफ साहब गए थे, अभी फिर जा रहे हैं, मैं भी था उन मुलाकातों में, तकरीबन सब में, तकरीबन क्या सभी मुलाकातों में मैं था। तो सियासी लोग एक दूसरे से मिलते रहते हैं, अपने मसाइल पे बात करते हैं, मुल्क के मसाइल पे बात करते हैं, अलायंसेस भी होते हैं। MQM से मुलाकात कर रहे हैं आप लोग, हालांकि MQM और आप लोगों की थॉट में, आप लोगों के वे ऑफ एक्शन में जमीन आसमान का डिफरेंस है। इन 5 सालों के अंदर MQM को इंगेज करने की ट्राई नहीं की गई, अब अगर ये MQM होती तो इस वक्त दहशत गर्दी हो रही होती है। ठीक, अगर आज कराची में दहशत गर्दी नहीं हो रही ना, तो फिर इसका मतलब है कि MQM की जो अल्ताफ हुसैन की फिलॉसफी थी उस पर ये लोग नहीं चल रहे। अगर उस पर चल रहे होते तो वहाँ हड़ताल होती आज। ठीक है, वहाँ पे बोरीबंद लाशें मिल रही होती, वहाँ पे चाइना कटिंग हो रही होती, वहाँ अगवा बराए तावान हो रहे होते, वहाँ धमाके और हमले हो रहे होते। यानी ये वाली MQM आप लोगों को कबूल है? नहीं, कबूल तो हम जाहिर है, जो भी पार्लिमानी कुव्वत है उसको आपको आइन के मुताबिक कबूल करना पड़ेगा। आप नौकरी नहीं, कोई भी आ जाए इलेक्ट होके, अवाम ने जब मुंतखब कर दिया है तो आपके पास क्या अथॉरिटी है कि आप कहें कि हम तुम्हें मानते ही नहीं है? ठीक है, आपको ना मानने का मतलब है अवाम को नहीं मानते ना, तो अवाम तो सबसे बड़ी ताकत है ना। सही, तो अवाम को तो मानना पड़ेगा। अच्छा चलिए, कराची की लास्ट क्वेश्चन, कराची की बात कर लेते हैं। शदीद लोड शेडिंग चल रही है, 15-15, 18-18 घंटे लोड शेडिंग चल रही है। आप कराची को बखूबी जानते हैं, ये वफाकी हुकूमत कब सपोर्ट करेगी, कब वो तो मुराद अली शाह साहब तो फरमा रहे हैं जी वफाकी हुकूमत को ही हम लोगों को तमाम चीज़ें प्रोवाइड करनी है, कि इलेक्ट्रिक को सीधा करना, तमाम चीज़ों को रेगुलेट करना आप लोगों की जिम्मेदारी है, ये कब हल होगा? पहले ये बताए मुराद अली शाह कि वो जाके आसिफ जरदारी से ये पूछे कि KESC को प्राइवेटाइज क्यों किया था? आप तो बड़े प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ है ना। फिर ये बताए मुराद अली शाह के इलेक्ट्रिक में कौन लोग मुलाजिम हुए बड़े बड़े मुशायरों पे आपकी पार्टी के। तीसरी बात ये मुझे बताएं कि इलेक्ट्रिक अगर गैस के बिल नहीं देते तो आप देते फिर बिल? ठीक है, अगर आपको कराची के लोगों से मोहब्बत है तो आखिरी बात ये है कि आपको कराची से कोई मोहब्बत नहीं है ना वहाँ के लोगों से, अगर होती तो ये बातें आपको 4 साल पहले आप लोगों को है, आप लोगों को है, हमें है इसलिए ग्रीन लाइन बनाई है, हमें है इसीलिए चंद दिन बाद जो है वो कराची हैदराबाद के बॉर्डर वे का इफ्तिताह हो रहा है, हमें है इसीलिए K4 हमने की है, हमें है इसीलिए हमने उनके वहाँ पे थरकोल में पैसे इन्वेस्ट किए हैं, हमने वहाँ पे मेगावाट्स बना के दिए हैं, हमने उनके सीवरेज का मसला हल करने की। वक्त खत्म हो गया है, इस डिस्कशन को आगे लेकर चलते हैं कि कौन सा मंसूबा किस हद तक काम कर रहा है और किस हद तक नहीं कर रहा और किसकी कोताही है किसकी नहीं कोताही, इसको किसी और सेशन पे इंशाल्लाह रखेंगे। मुशाहिदुल्लाह साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। इतना जरूर है कि मुल्की सियासत में जो सूरत हाल है, जो हलचल है, इस हलचल को किस तरीके से मेलो डाउन किया जाए, और साथ ही साथ जाते हुए बेगम कुलसूम नवाज साहिबा के लिए हमारी तरफ से पूरी दुआएं हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत बख्शे, उनको लंबी जिंदगी अता फरमाए। अनीका निसार को इजाजत दीजिए, कैपिटल लाइव विद अनीका से इतना ही, अल्लाह हाफिज़ नासिर।